और चीन के सुर में अभी बोलने वाले नेपाल के तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। ड्रैगन के उकसावे पर नेपाल ने नक्शा विवाद को जो हवा दी थी, अब उसको पीएम ओली ने खत्म करने की कोशिश की। नेपाल के पीएम ओली की इस तस्वीर ने जिनपिंग को लाल कर दिया है। तस्वीर में केपी ओली भारत को दशहरा की बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में भारत की जीत और चीन की हार छिपी है। ध्यान से देखिए, दरअसल ओली ने भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते को सुधारने के लिए नेपाल के पुराने नक्शे का सहारा लिया, जिसमें भारतीय क्षेत्र को नेपाल में नहीं दिखाया गया है। नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिपियनधुरा को नेपाल का हिस्सा नहीं बताया गया है, जबकि इससे पहले चीन के इशारे पर ओली सरकार ने नए नक्शे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताया था। और वहीं भारत के हमले से खौफ खाया हुआ है पाकिस्तान, अब नए तरह से प्लानिंग कर रहा है। बाजवा की सेना अब तुर्की और चीन से हथियार खरीद रही है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से घबराया हुआ पाकिस्तान भारत की ओर से किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए अब नई तैयारियां कर रहा है, और इसीलिए अपने आकत चीन तुर्की के शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान अभी तुर्की चीन से घातक हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान अभी चीन से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम A300 खरीद रहा है। इमरान सरकार तुर्की से हाईटेक रेडार रेटिनार PTR-X पेरीमीटर खरीदने जा रहा है। ये सिस्टम इंसान, जानवर और गाड़ी तक की जानकारी दे सकता है। माना जा रहा है कि बाजवा की सेना चीन और तुर्की से जो हथियार खरीद रहा है, उसके बाद उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है, विपक्ष जो कि एकजुट हो गया है। विपक्ष के हमले से इमरान डर गए हैं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की अब तैयारी है। इंग्लैंड के पीएम से बात करेंगे इमरान खान। नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण को लेकर बात की जाएगी। पाकिस्तान में नवाज पर भ्रष्टाचार का मुकदमा है, और यही वजह है कि इमरान खान अब इस कोशिश में, ताकि नवाज शरीफ को इंग्लैंड से पाकिस्तान लाया जा सके। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।